A oh, very happy Women's Day to all the lovely ladies who are supporting me and loving me so very much. I am really, really thankful and grateful to have all you ladies in my life.

टेन असेंशियल दैट एवरी वुमेन और गर्ल शुड हैव इन देयर लाइफ एंड ये सारे ही चीजें आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी बनाने वाली है देर इज नथिंग वेरी वेरी फैंसी और सुपर एक्सपेंसिव दीज आर ऑल द बेसिक डेली नीड्स जो कि आप लोगों को चाहिए रहती हैं बट हम लोग कई बार इन चीजों को भूल जाते हैं इग्नोर कर देते हैं बट आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नहीं इग्नोर करना इन चीजों को एंड यू हैव टू हैव दम इन योर लाइफ येस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी Very end, but if you're new to my channel, please take out a moment and hit that red subscribe button. Wish me a happy Women's Day by doing so and hitting the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. Let's start with the first thing, and that will be nothing other than a menstrual cup. मैं बता भी नहीं सकती हूं मुझे एक साल से ज्यादा हो गया है दैट आई स्विचड टू अ मेंस्ट्रुअल कप एंड माय लाइफ हैज नेवर बीन ईजिया मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो किया था लिंक इट अगर आपने नहीं देखा है तो कैन चेक दैट आउट विदाउट गोइंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि मैंस्चुरल कप इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है ही साथ में आपके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है मैं एक डेढ़ साल से मैंस्टुरल कप यूज कर रही हूँ पहले आई मेड माई मॉम ट्राई इट आउट एंड वंश ही इट मैंने भी अपने लिए ले लिया था एंड आई मिन साइज़ स्मॉल आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ ले सकते हो एंड दिस इज सुपर डुपर कन्वीनिएंट लाइक 7 टू एट आवर्स तक तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपका लीकेज हो रहा है या यू नो एनीथिंग आप वाइट्स पहन सकते हो मैं इसको पहन के वाइट्स पहन लेती हूं अभी भी आई एम लिटिल बिट यू नो कॉन्शियस जब मैं इसको यूज करती हूँ तो मैं एक पैंटी लाइनर या पैड लगा लेती हूँ नीचे कभी अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो बट आई हैव एन नोटिस एनी स्पॉटिंग टिल डेट सो वो सिर्फ मैं अपनी यू नो डबल सिक्योरिटी के लिए करती हूँ बट इट इज सो कन्वीनियंट मैं मजाक भी नहीं कर रही आई एक्चुअली फोगेट एट टाइम्स की आई एम ऑन माई पीरियड्स इट इज सो ड्राई डाउन देयर सो देर इज नो रैश नथिंग एट ऑल बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है पहली एक दो बार में यू विल यू नो गेट गेटिक टाइम इसको इंसर्ट एंड रिमूव करने में बट ओनली फर्स्ट टाइम उसके बाद यू विल गेट द हैंग ऑफ इट एंड यू लव इट मैंने अपने कितने सारे फ्रेंड्स को स्विच करवा दिया कप में एंड दे ऑल थैंक मी नाउ

नोट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इसलिए मैंने कभी आपको सजेस्ट नहीं किया बट अभी कुछ टाइम से अराउंड एक दो महीने से आई हैव बिन यूजिंग दिस एंड ओनली दिस वेन इट कम्स टू माई हेयर मैं अपने बाल धोने के बाद इसमें रैप कर लेती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है आप अपने बालों को अपसाइड डाउन करके जैसे नॉर्मल टाल में यू you नो know, ऐसे करके बांधते हैं वैसे बांधो एंड देन इसमें ऐसे बटन एंड यू हैव अ लूप योर तो आप इसको वो कर लो तो आपके बाल एकदम ऊपर ही टक इन रहते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये आपके बालों में फ्रिज क्रिएट नहीं करता है जो आपके बाल बीच से टूटने लगते हैं ब्रिटल हो जाते हैं बाल जैसे हो गए थे उसको भी प्रिवेंट करता है एंड यू कैन सी कि मेरे बालों में कम हो गया और भी चीजें कर रही हूं अपने बालों के लिए, really savior, अगर आपने अभी तक माइक्रोफाइबर टाल पे स्विच नहीं किया है तो भाई कर लो यू इट एंड इनफैक्ट आपके फेस के लिए भी माइक्रोफाइबर टाल बहुत अच्छा होता है बट दैट स्विच आई एम येट टू मेक सो थर्ड थिंग इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बार बात कर चुकी हूँ एंड दैट इज़ अ फेस रेजर यू नीड दिस थिंग इन योर लाइफ क्योंकि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो मान लो ज़्यादा दिन के लिए गए हो तो यू कै नॉट गो सर्चिंग फॉर अ पार्लर एंड यू नो गेट योर आई ब्राउज और योर अपर लिप्स थ्रेडिड एवरी टाइम बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वीनियंट यू नो ऑनिस्टली तो दिस कम्स इन वेरी वेरी हैंडी लाइक आपको सिर्फ इसको ओपन करना है सो इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग मुझे ऑलमोस्ट पाँच छः साल हो चुके हैं कि मैं अपना फेस शेव कर रही हूँ लाइक लिटरली कॉलेज फर्स्ट ईयर से आई हैव बीन शेविंग माई फेस एंड इट एंड इट हैज़ बीन वॉट एर इन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लाइक फाइव ईयरस दैट आई हैव बीन शेविंग माई फेस एंड मैं अभी तक यू कैन सी आई हैव ग्रोन फुल ऑन मुस्टाश और बियर्ड लाइक मैन तो यू नो दैट इज़ ऑल मिथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपकी हेयर ग्रोथ आप जेनेटिक होती है वो जैसी है वो वैसे ही रहेगी सिर्फ बिकॉज आपने शेव कर दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी मैन भी ऑडाने लग जाएगी नथिंग लाइक दैट एंड फेस शेविंग पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं लिंक कर दूँगी अगर चेकआउट करनी है तो कर सकते हो एंड यू नो इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड आपका स्किन केयर बहुत अच्छे से पेनेट्रेट होता है आप अपने स्किन केयर के डबल बेनिफिट्स देख पाओगे अगर आप शेव करना स्टार्ट कर दोगे डू इट वनस ए वीक नॉट

So zoop bags really resonate with every woman's personality, be it beautiful, versatile, strong, and everything just like the Zouk bag. So I really wanted to get another zoop bag and I wanted to gift it to the one woman that is the most important in my life. And this bag really resonates with her personality. She is as stylish as this bag, and as strong in her decisions in every situation, just like this bag. And that woman is none other than me, myself. I mean, who other women can be more important to me than myself, right? Start loving yourself if you don't yet. So yes, I gifted this bag to myself. Uh, because Monday se I am starting office. I had one Zook laptop bag previously, and I loved it so much. So I bought another You know.

बट क्या आप अपने ब्रशेस को अच्छे से साफ करते हो नहीं करते ना मैं भी नहीं करती थी पहले तो आपको हमेशा अपने ब्रशेस को क्लीन करके रखना चाहिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप नहीं लगाते हो तो जब भी लगा रहे हो ना उसके तुरंत बाद अपने ब्रशेस को धो के ही रख दो बट अगर आप रोज मेकअप लगा रहे हो तो आप रोज रोज ब्रशेस को अगर वॉश करोगे सो तो वो आपके ब्रशेस की लाइफ को कम कर देगा सो तो वॉश इट वीकली ठीक है तो वॉट यू नीड इज दिस टू थिंग्स इन दोनों में से कोई सा भी जो भी वर्कस फॉर यू सो ये एक ऐसा ब्रश क्लीनर आता है ये बड़ा भी आते हैं छोटे भी आते हैं आई यूज़ दिस वन क्योंकि मैं इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करती ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस उसके बाद अपने ब्रश पे कोई भी आप यू नो वॉश डाल लो बॉडी वॉश फेस वॉश कुछ भी मैं तो कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ एंड उसके बाद यू हैव टू यू नो रब इट लाइक दिस तो इसमें अंदर जितना भी फाउंडेशन या चीजें जमा हो रखी हैं तो वो अच्छे से अंदर तक क्लीन हो जाती है एंड यू कैन सी माय ब्रशेस आर सुपर क्लीन तो दिस इज वन थिंग बट व्हाट आई लाइक टू यूज इज समथिंग दिस ये मैंने डीआईवाई किया था तो so, ये प्लम का क्लेंजिंग बाम का डब्बा है एंड वॉट आई डिड इन दिस इज आई मेड अ क्लीनर फॉर माई ब्रश अब मैं क्या करती हूँ अपने ब्रश को पानी में डुबाया इसमें ऐसे 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 सॉल्व किया सारा प्रोडक्ट एक सेकेंड में निकल जाता है एंड देन आई जस्ट हैव टू वॉश माई ब्रश सो दिस इज रियली गुड तो आप इसको कैसे बना सकते हो आप कोई सा भी सोप ले लो यूज अ जेंटल सोप जो कि आप अपने फेस पे यूज़ करो क्योंकि आपके ब्रश आर वेरी जेंटल ग्रेट कर लो अपने सोप को इस डब्बे में एंड वॉटर थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के इसको ऐसे प्रेस करके गिव इट अ शेप एंड उसके बाद इसको थोड़ी देर ड्राई होने दो उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे सेट हो जाता है

कि मैंने ये खरीदा है सो वट आई लाइक टू डू विद दिस इज कि जब भी मैं विद्पू करती हूं I, you know, scalp this and the really well. तो ये काफी ज्यादा हैंडी आता है अगर आपके नेल्स वगैरह हैं तो आपको पता होगा कि उससे करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नेल्स भी टूट जाते हैं कई बार तो एक तो ये उस काम आता है एंड दूसरा ये आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन कर देता है आई हैव अ फ्लेकी स्कैल्प एंड ड्राई स्कैल्प अभी तक मैं गर्म पानी यूज करती थी तो मेरे स्कैल्प बहुत ज्यादा फ्लेकी होता गया था ये बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन करता है शैम्पू को अच्छे से लादर करता है इट इज़ अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट एंड इट शुड बी अ मस्ट हैव इन एवरीबॉडीज़ बाथरूम एंड इनफैक्ट शैम्पू ही क्यों रात में भी ना सोने से पहले बट ये मैं रोज़ नहीं कर पाती मैं भूल जाती हूँ आप अपना सारे से अपसाइड डाउन करो एंड देन मसाज विद दिस तो इससे आपके स्कैल पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा एंड ये प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ सो या दिस इज रियली रियली गुड लिंक कर दूंगी सब कुछ नीचे आप चेकआउट कर लेना जो भी आपको करना होगा एंड दे नेक्स्ट थिंग एवरी वुमन मस्ट अ मिनी परफ्यूम तो मेरे पास ये मिनी ऐसे साइज के ना बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। बिकॉज दे आर वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड आप कहीं भी जा रहे हो कैन जस्ट थ्रो इट इन योर पर्स एंड कभी भी दिन में आप इसको यू नो रीअप्लाई कर सकते हो कभी भूल गए परफ्यूम लगाना तो एक तो अपने बैग में हमेशा रख के रखो एंड दीज वॉन्स मोई बाय नाइका आर वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स इवन द प्लम का डी टी आर रियली गुड एनर्जली लव काफी लॉन्ग लास्टिंग भी हैं तो यस अगर आपने अभी तक एक मिनी परफ्यूम नहीं खरीदा है तो जरूर ले लो और अपने बैग में हमेशा उसको रख के रहो नेक्स्ट चीज वुमेन या मैन या बच्चे या बड़े कुछ नहीं एवरी बॉडी मस्ट हैव दिस थिंग इज अ सनस्क्रीन अ गुड सनस्क्रीन अ गुड फिफ्टी एस पी एफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ताकि आपकी स्किन हमेशा प्रोटेक्टेड रहे एंड अब तो समर्स भी आ रहे हैं अब तो और ज़्यादा धूप निकलने लगेगी एंड इतनी बुरी टैनिंग हो जाती है स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है आप लोगों को सिर्फ टैनिंग दिखती है बट उसके अलावा भी आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है सन की वजह से सो हैव अ गुड सनस्क्रीन एंड अप्लाई एंड री अप्लाई इट आफ्टर एवरी फोर आवर मतलब दिन में दो टाइम तो आप सनस्क्रीन यूज़ करो ही सुबह लगा लो एंड देन अराउंड थ्री टू थ्री पी एम दोबारा से रीअप्लाई कर लो सो एनी सनस्क्रीन दैट यू लाइक एंड दैट इज अ मस्ट 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 अब इतना कहने के बाद आप सनस्क्रीन तो मेरे ख्याल से अभी तक यूज करने ही लग गए हो बट सिर्फ सनस्क्रीन यूज करने से आपकी स्किन बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी आपको सनस्क्रीन को रिमूव भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है हमें ऐसा लगता है कि जब हमने मेकअप लगाया तो हम डबल क्लेंजिंग कर लेते हैं हमारी स्किन अच्छे से साफ हो जाती है बट जिस दिन मेकअप नहीं लगाया उस दिन हम सिर्फ फेस वॉश कर लेते हैं हम सोचते हैं कि हाँ काम बन गया बट ऐसा नहीं होता है जो सनस्क्रीन होती है वो सिर्फ पानी से ऐसे ब्रेक नहीं होती है एंड फिर वो आपके पोर्स को क्लॉक कर देगी एंड मोस्टली लोगों को जो छोटे छोटे यहाँ पे कोमिडोन होते हैं ना दैट इज बिकॉज आप अपनी सनस्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन तो लगा बट उसको अच्छे से रिमूव भी करो एंड फॉर दैट यूज अलेंजर सिर्फ तो सनस्क्रीन है तो कोई साइसेल पैड में डालो एंड जस्ट रब इट थ्रू यूर फेस ताकि सारी सनस्क्रीन ब्रेक डाउन हो जाए एंड on देन वॉश इट विद योर नॉर्मल फेस वॉश डबल क्लेंजिंग इज अ मस्ट एवरी डे नॉट ओनली ऑन द डेज दैट यू वे मेकअप हर दिन डबल क्लेंजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है so the next thing फॉर ऑल माय ऑयली स्किन बेबीज एंड इट इज अ ब्लॉटिंग पेपर ये मैंने मिनीसो से खरीदा था बहुत ज्यादा क्यूट है आप कहीं से भी ले सकते हो तो ब्लॉटिंग पेपर ऐसे कुछ लगते हैं ऐसे येलो येलो कलर का है मेरा तो पता नहीं शायद और कलर्स में भी आते होंगे बट yes, येस ये ऐसे एकदम पतली सी एक शीट होती है जो कि आपके फेस के ऑयल को एब्सॉर्ब करती है आई शो यू लाइक यू कैन सी इट इज़ अब्जॉर्ब्ड द लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑयल जो कि मेरे यहाँ पे आया था एंड लाइक समर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन टाइप को यही सेम प्रॉब्लम होती है सो so, उसकी वजह से बहुत ही गंदा सा ऑयली शाइन आ जाती है फेस पे एंड द मेकअप स्टार्ट स्मूविंग एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी बैड तो आप ब्लॉटिंग पेपर हमेशा अपने साथ रखो एंड जिसकी ब्लॉटिंग ऑफ फेस थ्रू आउट द डे जैसे आपकी स्किन ऑयली हो रही है एंड इट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग टू हैव वि री गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल आप कॉटन पैद करते हो यू आर जस्ट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा वेस्ट इनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है एंड दिस इज वेरी वेरी गुड सॉफ्ट आपकी स्किन को काफी अच्छे से यू नो ट्रीट करेगा एंड एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं बनेगा लाइक इतना तो हम एनवायरमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं राइट तो ये मेरे अर्थ रिदम के पैड्स हैं मेरे पास दो हैं बट आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो अमेजॉन पे जब आप सर्च करोगे रीयूजेबल मेकअप रिमूविंग पैड्स तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपके बजट में फिक्स फिट करता है वो आप ख़रीद लो एंड वॉट यू हैव टू डू इज़ कि इसको आप बस पानी में ऐसे करके निचोड़ो ना एंड यू रिमूव योर मेकअप ये मेकअप भी इतने अच्छे से रिमूव कर देता है कि मैं क्या ही बताऊं बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पानी और इसके साथ अपना मेकअप रिमूव कर लो एंड आपका मेकअप अच्छे से हट जाएगा मैं क्या सजेस्ट करती हूँ जब भी आपने हैवी मेकअप लगाया है आप ऐसा कोई क्लेंजिंग बाम यूज कर रहे हो तो क्लेंजिंग बाम से अच्छे से अपने मेकअप को मेल्ट डाउन करो एंड देन डिप इट इन वाटर एंड देन रिमूव इट आपका पूरा फेस क्लीन हो जाएगा एंड उसके बाद जब आप फेस वॉश करोगे ना तो ये जो क्लेंजिंग बाम का ऑयली ऑयली सा रेजिड्यू लगता है ना फेस पे वो भी नहीं रहेगा सो दिज आर वेरी गुड एंड इन फैक्ट सनस्क्रीन भी अगर आपने लगाया है तो इसी पे माइसेला वाटर डालो और अच्छे से रिमूव कर लो रोज रोज कॉटन वेस्ट क्यों करना है जस्ट बाय दिस वन एंड यूज इट फॉर ठीक है तो या दिज वर ऑल द थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू गर्ल्स टू हैव विद यू ऑलवेज क्योंकि आपकी लाइफ काफी ज्यादा इजी बना देगा एंड यू आर गन लव इट एंड थैंक मी लेटर सो so, येस yes, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना मेरे पास ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ टू हैव सो दैट योर डेली लाइफ इज अट ईजियर सो यार लेट मी नो इफ यू वॉन्ट अ पार्ट टू कॉमेंट ब्लू हार्थ इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड आई शैल मेक अ पार्ट टू सुपर सून एंड इफ यू हैवेन सब्सक्राइब टू माई चैनल या प्लीज टेक आउटेंट विश मी है I will see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye a very happy women's day